प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघु एवं कुटीर उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी देश की औद्योगिक संरचना में कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों का विशेष स्थान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजी का अभाव, श्रम की अत्यधिक पूर्ति तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव है आदि है, तो इन उद्योगों का विशेष महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में है। कुटीर उद्योगों का आशय उन उद्योग धंधों से है जो एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा एक छत के नीचे पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित किए जाते हैं। राजकोषीय आयोग के शब्दों में कुटीर उद्योग वह है जो पूर्णतया या मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिसमें उत्पादन की पद्धति परंपरागत होती है। लघु उद्योगों के अर्थ में समय समय पर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। राजकोषीय आयोग के अनुसार लघु उद्योग वह उद्योग हैं जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों की सहायता से चलाए जाते हैं। वर्तमान में इसमें सब इकाइयां और संस्थान शामिल होते हैं जिनमें 5 लाख रुपये से कम पूंजी लगी हुई होती है। वर्तमान में श्रमिकों की संख्या पर ध्यान न देकर नवीन औद्योगिक नीति 1980 के अनुसार विनियोजित पूंजी पर ध्यान दिया जाता है। 96-97 की नीति संशोधन अनुसार 1 मार्च 1997 में से 3 करोड़ रुपए से कम पूंजी विनियोग वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में गिना जाता था। भारी मशीनरी वाले छोटे उद्योगों में सीमा 3 करोड़ रुपए थी। अत्यंत छोटे उद्योगों में पूंजी सीमा 25 लाख रुपए की है। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को सन 1999 3 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ कर दिया गया। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 1999 को देश में लघु उद्योगों में प्लांट और मशीनरी की निवेश सीमा को 3 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया, किंतु अति लघु उपक्रमों टिनी जो यूनिट्स थी उनके मामले में निवेश की अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 64 चुने हुए लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई थी। छोटे लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में पारित हुआ था, जिसमें फिर विनिर्माण उद्यम जिसमें छोटे उपक्रम 25 लाख रुपए तक निवेश और लघु उपक्रम 25 लाख रुपए से अधिक एवं 5 करोड़ रुपए तक का निवेश और मध्यम उपक्रम से 5 करोड़ रुपए से अधिक 10 करोड़ रुपए तक का निवेश शामिल किया गया था। लघु कुटीर उद्योगों में अंतर, लघु कुटीर उद्योगों में अंतर यही है कि यद्यपि दोनों का समान स्तर है, लेकिन सबसे पहला संचालन संबंधी अंतर कि कुटीर उद्योगों का संचालन एक ही परिवार के सदस्य करते हैं अपने घर में परंपरागत ढंग से, जबकि लघु उद्योगों का संचालन वेतनभोगी श्रमिक करते हैं। यंत्रों का कुटीर उद्योगों में यंत्रों का उपयोग सीमित होता है, श्रम की परंपरागत होती है, जबकि लघु उद्योगों में अब पूंजी व यंत्रों का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। पूंजी कुटीर उद्योगों में पूंजी बराबर दर लगाई जाती है, बाह्य पूंजी का प्रयोग नहीं के बराबर होता, जबकि लघु उद्योगों में बाह्य पूंजी का प्रयोग बढ़ जाता है। बाजार कुटीर उद्योगों का बाजार सीमित है, जबकि लघु उद्योगों का बाजार विस्तृत है। इस प्रकार